press the bell icon on the YouTube app and never. लेकिन सर अमेरिका के इलेक्शन किधर जाते हुए लग रहा है आपको? नहीं वो इलेक्शन तो अकॉर्डिंग टू CNN तो कैमला हैरिस जीत चुकी अकॉर्डिंग टू CNN. हाँ कल की सुन ले बात. कल हमारे जो गार्लैंड है हमारे जो अटर्नी जनरल है पूरे कंट्री के उन्होंने आरटी उन्होंने कहा जी रशिया यहाँ पे सारा कुछ कर रहे हैं मेडलिंग कर रहे हैं तो रोक लो यार. तुम सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर तो तुम हो अभी तो पावर में तुम हो तो रोको ना उनको भाई. हाँ लेकिन वो कॉम का माइंड बना रहे हैं. यही कहा था बाइडेन ने शुरू में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ये जी रशिया इसको सपोर्ट करता रहा और कर कौन रहा है आरटी जो आरटी है उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाई है कि एक कंपनी है यहाँ पे टेनेसी के अंदर उसको $10 million दिया है आरटी ने जो रशियन टीवी है उसको दिया है कि वो यहाँ पे हायर करे कंपनियां और डेमोक्रेट्स के खिलाफ कंपेन करे. यहाँ भी वही हालात है बस क्योंकि उसकी वजह ये है आरजू देखें जंग यूक्रेन की जंग यूरोप की है वो उसमें एक पैसा नहीं दे रही यहाँ से एक $1 billion से ज्यादा रशिया की यूक्रेन की जंग. सभी को जय हिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. सरकारी जा रहे हैं उन पे तो सऊदी अरब को बहुत एतराज है लेकिन जो बड़े बड़े हमारे वजीर जाते हैं वो भी तो भीख ही मांग रहे होते हैं वहां जाके वो कौन सा कुछ देने गए उनके ऊपर भी एतराज करें उनपे भी एतराज है उनको कौन सा वो खुश होते हैं कि आते हैं. कहा तो था आपके प्राइम मिनिस्टर ने मैं फोन करता हूँ तो लोग फोन नहीं उठाते आगे से पता तो है उनको. इसमें कौन सी नई बात है कि आपका क्या ख्याल उनके गले में फूलों के हार डालते होंगे वही नहीं उनके भी वो ऐसे ही होंगे जिस तरह वो मांगने वाले आ गए यार परे करो इसको ये रोजाना मुंह उठा के आ जाता है. और दूसरा आप फ्राड लगाते हैं कहते हैं हम उमरा करने आए साथ चलो कुछ सोना ले जाए वो भी सूझ के स्मगलिंग कर लें कुछ. लेकिन इससे आरजू जिस तरह मैंने बताया है कि दुख की बात है. आज तो बल्कि मैं अमेरिका के लिए भी मायूस हूँ कि 50-51 कंट्रीज अफ्रीका के चाइना में इकट्ठे हो गए यहाँ CNN कवर ही नहीं कर रहा. CNN के सेल पैसा नहीं पूरी वो दांत निकालते फिर नहीं वो ये इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट क्या है कैमला हैरिस का और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम जल्दी से जल्दी मरवाना पूरे मुल्क के अंदर लीगलाइज कर ये इस चीज में बिजी है. पाकिस्तान में लूटमार में बिजी है फ्रॉड करप्शन में बिजी है उधर वो प्राइम मिनिस्टर. लेकिन सर अमेरिका के इलेक्शन किधर जाते हुए लग रहा है आपको? नहीं वो इलेक्शन तो अकॉर्डिंग टू CNN तो कैमला हैरिस जीत चुकी अकॉर्डिंग टू CNN. हाँ कल की सुन ले बात. कल हमारे जो गार्लैंड है हमारे जो अटर्नी जनरल है पूरे कंट्री के उन्होंने आरटी उन्होंने कहा जी रशिया यहाँ पे सारा कुछ कर रहे हैं मेडलिंग कर रहे हैं तो रोक लो यार. तुम सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर तो तुम हो अभी तो पावर में तुम हो तो रोको ना उनको भाई. हाँ लेकिन वो कॉम का माइंड बना रहे हैं. यही कहा था बाइडेन ने शुरू में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ये जी रशिया इसको सपोर्ट करता रहा और कर कौन रहा है आरटी जो आरटी है उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाई है कि एक कंपनी है यहाँ पे टेनेसी के अंदर उसको $10 million दिया है आरटी ने जो रशियन टीवी है उसको दिया है कि वो यहाँ पे हायर करे कंपनियां और डेमोक्रेट्स के खिलाफ कंपेन करे. यहाँ भी वही हालात है बस क्योंकि उसकी वजह ये है आरजू देखें जंग यूक्रेन की जंग यूरोप की है वो उसमें एक पैसा नहीं दे रही यहाँ से $1 billion से ज्यादा रशिया की यूक्रेन की जंग के लिए जा चुका है. आपका क्या ख्याल वो पैसा पहुंचा है वहां पर? वो भी सख्त तरीन करप्ट है यूक्रेन वाले भी सख्त करप्ट है. मैं दुबई में और जब भी UAE में जाता हूँ वहां पर सारा पैसा वहां से आ रहा है हर बंदे को पता है कि पैसा यूक्रेन का सारा वहां. हाँ ये क्यों देते हैं उनको देते ये भी पूरा नहीं है क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वो भी करप्ट तरीन एक डिपार्टमेंट है वो देख लिया. जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर गोस्ट सोल्जर थे गोस्ट सोल्जर क्या थे कि उनके नाम की तनख्वाहें लिए जा रहे थे बंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. अब क्या है अब गोस्ट बॉम्ब्स हैं जो बम देते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. हाँ बिलों में कागजों में फाइलों में चल रहे हैं यहाँ से भी जा रहे हैं वहां भी ले रहे हैं. हाँ लोगों को बेवकूफ बनाया देखने पूछने वाले कोई नहीं. मिडिल क्लास अमेरिकन है वो पे चेक टू पे चेक फिर रहा है. इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है जिसकी हद को नहीं बल्कि नई इन्फॉर्मेशन लोगों का JP Morgan ने कह दिया है अमेरिका के रिसेशन का टाइम आ चुका है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% है जो कि 2021 के बाद सबसे हाईएस्ट इस वक्त जा रहा है कोविड के पीरियड के 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. और उन्होंने कहा सिर्फ इस सूरत में बच सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम करें और ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त डॉलर खुद ही प्रिंट कर करके अपनी इकॉनमी को चला रखा है.
लेकिन वो दिन दूर नहीं है। वो कहते हैं ना, अब दौर गया जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, वो इस तरीके से कि अब ब्रिक्स वाले अपनी करेंसी खुद बना रहे हैं, अपना सिस्टम खुद बना रहे हैं, रशिया को सैंक्शंस काम नहीं कर रही है, ईरान बादशाह है, बस ये तालियां बजा रहे हैं, ये यहाँ पे मरवाना वीड पिएंगे, गांजा पिएंगे, उसके अलावा कुछ। सर यहाँ तो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका में दरख्त पे डॉलर लगे हुए हैं और सड़क पे उड़ रहे हैं लोग, ले लेके खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे एशियंस की बात कर रही हूँ, उनका तो वो अभी भी यही समझ रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान में से अब भारत के अंदर जो आपने देखा होगा कि अमेरिका का एम्बेसडर है, उसने दो तीन दफा उठे सीधे बयान दिए, अगर उन्होंने उठा के साइड पर रखा, उन्होंने कहा यार बस कर यार ना बोला कर इतना ज्यादा। उसने कहा था ना कि डोंट टेक आवर अमेरिकन रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, हु केयर्स, आप बातें करते हैं क्योंकि दे आर बिकॉज़ दे आर सॉवरन है, वो इनसे खैरात नहीं मांगते, वो IMF के कदमों में नहीं पड़े, उनको क्या जरूरत है अमेरिकन एम्बेसडर आगे डिक्टेट करे, अपना अपनी फॉरन पॉलिसी खुद डिक्टेट करते हैं अगले। लेकिन आप लोग तो फिर ये है ना कि आप तो करप्शन में डूबे पड़े हैं, आपको तो पूछने वाला कोई नहीं, और 77 ईयर्स हैं आप। मैं बिल्कुल इस चीज इस स्टोरी को बाय नहीं करता कि जी शहबाज शरीफ बुरा था, इमरान खान अच्छा था, सारे के सारे एक ही जैसे थे, सब ने फ्रॉड लगाया, सब ने धोखा दिया इस कंट्री को, 77 ईयर से धोखा दे रहे, बल्कि उससे पहले भी आपने पाकिस्तान बनाया है। या तो मुझे कन्विंस करें कि हमने ठीक किया है, हमने ये फला चीज अचीव कर ली है भाई, हमने देखो ये कैसा फलाना डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट ये देखो कितना अजीम डिपार्टमेंट, आज इकबाल बाजवा आपके पूरे PIA के मुंह पे थप्पड़ है, बल्कि 25 करोड़ लोगों से क्वेश्चन एक बंदा। सर उससे तो पहले पायलट्स की भी फेक डिग्री निकली थी, हमारे तो पायलट्स पता नहीं कहां से लाए थे। इतनी फेक क्या निकलनी है आरजू, पायलटों का टेस्ट लेने वाला डॉक्टर बहरा था कानों से, उसको सुनाई कुछ नहीं देता, वो भी तो किसी ने लगाया था, वो भी तो किसी का रिश्तेदार था। आप मुझे मैंने बल्कि आपके प्रोग्राम में किया, हॉकी की टीम चाइना जा रही थी, कह रहे थे 27 लोगों को लेकर जाना है, 27 खिलाड़ी, 6 अमला साथ, मालिश करने वाले 6 बंदे साथ, पैसे कितने मांग रहे थे, 50 करोड़, नहीं नहीं 5,60,000 डॉलर कैश दिया जाए, 27 प्लेयर 11 होते हैं, 27 लेके जा रहे थे। हाँ कौन, फिर उनसे लिस्ट मांगी, लिस्ट भी नहीं देते, कौन है, सारे ये रिश्तेदार हैं आपके, जजों के पुत्र, लड़के लौंडा पड़ा जितना आवारा है वो टीम में ले जाते हैं, आधे उधर भाग गए आधे इधर, अभी तो 4 आपके तो ओलंपिक के गए, वो भाग गए वहां से, पॉलिटिकल असाइलम उन्होंने हॉलैंड में ले लिए। आप मुझे ये बताएं ऑनेस्टली, बांग्लादेश से जिस बुरे तरीके से आप 10 विकेटों से हारे हैं, जिस तरीके से आपके पहले खिलाड़ी ओलंपिक में भाग गए, आपको स्पोर्ट्स में टीमें बाहर भेजनी चाहिए, या इस पे कौम का खर्चा बनता है, बल्कि जेल में दे इनको पकड़ के, जो ये तो ह्यूमन स्मगलिंग है ना एक तरह की, वहां पे भेज के भगा दिया। लेकिन रिश्तेदार है ना, कौन है टीम में होते कौन है, ये भी तो देखें ना, 300-300 पाउंड का बच्चा क्रिकेट का आपने रखा हुआ, उसमें 300 पाउंड का बच्चा क्रिकेट खेल सकता है, वो तो चारपाई से नीचे, वो 2 बंदे उसको पकड़ के उतारते हैं, उसको पिच पे किस तरह खड़ा कर दिया तुमने, उससे पूछा क्या, कहता नहीं मुझे तो खुद ही नहीं पता, कहता अब्बू के दोस्त थे उन्होंने मुझे रख लिया, अंकल थे अंकल ने मुझे टीम में डाल दिया है, खुदा का नाम लो यार, कुछ शर्म करो। वही तो नहीं आती हमारे लोगों को कि पूरा मुल्क खा गया, बेड़ा गर्क कर दिया कंट्री का, लेकिन बस। और आरजू सिर्फ 6 दिन के मैच थे, 25 दिन के लिए जा रहे थे चाइना, बाप की फैक्ट्रियां चल रही है ना, बाप की फैक्ट्रियां चल रही है, 5,60,000 डॉलर कैश मांगा उन्होंने, 27 लोग हॉकी खेलने जा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती, इतने बेशरम हो चुके। और उनके जो सिलेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर या कौन है, वो तो कह रहे हैं कि हमने उधार लेके टिकट खरीदा है, वो तो ये बात कर रहे हैं। नहीं, बात इस तरह हुई है, वो भी उसकी भी स्टोरी एक अलग से है, स्टोरी ये है इन्होंने कहा जी हमने उधार से लिया है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपने पहले गवर्नमेंट को उन्होंने कहा जी कि हमने टिकट चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमारी ये फ्लाज ट्रैवल एजेंसी है, गवर्नमेंट उससे डील करती है, उससे टिकट ले लें, कहते नहीं हमने एक अपनी मर्जी की, अपनी किसी अफसर के बच्चे की होगी ट्रैवल एजेंसी, हमने उनसे टिकट ले ली है उधार पे, आप उनको पैसे दे। आपकी हर चीज के अंदर जो फ्रॉड है, हर चीज के अंदर धोखा है, डील भी आप कौन करें। लेकिन सर अफसोस की बात यह है कि अब दुनिया में पहचान गई है, बहुत दिन हमने बेवकूफ बनाया, लेकिन अब सबको समझ आ गई है। $150 बिलियन आपका बाहर पड़ा है, थोड़ी रकम नहीं है, मेरे जैसे बंदे को तो ये नहीं पता कि उसके पीछे जीरो कितने, 150 बिलियन बहुत बड़ी रकम जो आप लूट के पार भाग गए हैं। और मैं उन जो उनके जो 150 बिलियन जिन्होंने लूटा है, मैं वहां कई देखता हूँ, यहाँ कह रहे होते हैं वॉशिंगटन DC में, टोरंटो में, और मैं हमेशा उनको कहता हूँ यहाँ भी कब्रिस्तान मौजूद,
किस मुंह से उस कब्र में जाओ, किस बिल्कुल ऐसा ही। और मैं सर, मुझे गुस्सा सबसे ज्यादा उन पे है जो उनके साथ मिलके उनको बाहर भेजते हैं, जो उनके फोन कॉल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना नेशनल इंटरेस्ट में कोई कॉल आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं। सर वैसे ये भी कहा जा रहा है बहुत सी चीजें वो जनरल फैज के पास से भी निकली, कई ऑडियो वीडियो और कई चीजें। मैं ऐसे ऐसे करप्ट लोगों को जानता हूँ जो इन सब की मर्जी से जहाजों में बोरियां डॉलरों की भर भर के उड़ते रहे, और पता होता है सबको। चले तो ऐसे लेकिन आपने अपने आप से बहुत बड़ा धोखा किया है, अपने आप से बहुत बड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आज सर कोई बात करने के लिए पाकिस्तान से तैयार नहीं है, कोई पाकिस्तानी के साथ दे रहे हैं। एक तो अपने आप को सख्त धोखा दे रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं अपने आप के साथ। चले या तो सारे भाग जाएं वहां से निकल, वैसे भागने की लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सात सात आठ आठ लाख लोग हर साल भाग रहे हैं, जिंदा जिंदा बच के भाग जाते हैं, ये लम्हा आ चुका है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आपकी आपको पता है असेंबली के, आपकी असेंबली के ऊपर कितनी बिल्डिंग के अंदर कितनी आयतें लिखी, ऊपर खुदा के 99 नाम लिखे छत के, तो नीचे बैठते हैं कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। हर जगह पे ऊपर आप कलमे लगा देते हैं, किस ऊपर आयतल कुर्सियां लिखी है हर जगह। पहले शॉप्स में लगा होता था लिख के जी खुदा देख रहा है वो, ताकि लोग कोई जो है चोरी ना करें, कोई चीज ना उठाएं, लोग चोरी करते रहे। अब लिखा होता है कैमरा लगा है, तो अब थोड़े एहतियात करते हैं लोग कोई चीज चुराते हुए, कि कैमरा देख रहा है, खुदा के देखने से फर्क नहीं पड़ता इनको। तो वो इसी किस्म की कौम है हमारी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और साजिद आर्डर साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे एक तरफ इन्होंने भारत के लिए तो पॉजिटिव बातें की पर पाकिस्तान के कपड़े उतार के रख दिए, जहां पे इन दोनों ने इतना सच बोला कि पाकिस्तानी अगर कोई सुन रहा होगा तो उसे शर्म आ जाएगी। जहां पे इन्होंने पाकिस्तान की बेशर्मी और पाकिस्तान के जितने भी VIP क्लास हैं वो कैसे पाकिस्तान को लूटते हैं उनकी पूरी तरह से पर्दे और राज खोल दिए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।